नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। आज के विशेष टॉपिक हमारा यह है कि मध्य प्रदेश में वोटिंग खत्म होने के बाद अलग अलग अटकलें हैं और महिलाओं ने इस बार रिकॉर्ड वोटिंग की है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद अपनी तरफ से थी कि लाडली बहना बाजी पलट देगी। वहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये नाराजगी है जिसकी वजह से महिलाएं घरों से निकली हैं। देखिए इस पर पहले ये खास रिपोर्ट, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। 2018 की तुलना में 2% अधिक वोट पड़े हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 2018 में 75.6% तो 2023 में 77.2% वोटिंग हुई है। वहीं महिलाओं ने 76.03% वोटिंग की है। महिलाओं की वोटिंग में ये उछाल तब आया है जब दोनों ही दलों ने उनके लिए दर्जनों घोषणा की है। 2018 में महिलाओं ने 74.03% वोटिंग की थी, जबकि 2023 में ये 2% बढ़ गई है। वहीं प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में 1000 पुरुषों पर महिला वोटरों की संख्या 917 थी, वहीं 2023 में 945 हो गई है। इसमें 3.9% की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही 2018 में 44 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक वोटिंग की थी। 2023 में 34 विधानसभा सीटें ऐसी हैं। इसी के साथ ही 2018 में कुल 10 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी। 2023 में 29 विधानसभा सीटें ऐसी हो गई हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। वहीं 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक वोटिंग की है। इन 29 सीटों पर महिला वोटरों की संख्या प्रदेश की इन 29 सीटों पर महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक है। इनमें बहर, निवास, बिछिया, अलीराजपुर, कोक्षी, पंसीमल, परसवाड़ा, मंडला, बालाघाट, सैलाना, पेटलावाद, जोबट, झाबुआ, मनावर, बदनावर, बरघट, सरदारपुर, डिंडोरी, रतलाम सिटी, वारासिवनी, कटंगी, धंधला, छिंदवाड़ा, पुष्पराजगढ़, शाहपुरा, उज्जैन दक्षिण, जौरा, इंदौर 4 और सेंधवा शामिल है। वोटिंग खत्म हो जाने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना इतिहास बना रही है। बड़ी संख्या में बहनें मतदान करने निकली और बीजेपी को समर्थन दे रही हैं। ये उत्साह मुझे बहनों के लिए और काम के लिए प्रोत्साहित करता है। कोई महल पसंद आ जाने से वो आपका नहीं हो जाता, उसके लिए रजिस्ट्री बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी भले ही ये दावा करे कि उन्होंने जो है नारी निधि सम्मान के तहत 86 लाख महिलाओं के फॉर्म भरवाए, लेकिन धरातल पर असलियत यही है कि 3,20,00,000 से अधिक बहनों को मोदी सरकार ने जो है फायदा पहुंचाया, शिवराज जी की सरकार ने फायदा पहुंचाया। तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि इस बार 3 दिसंबर को लाडली बहने माता में 76.21% जीती कांग्रेस। जुन्नारदेव 83.2%, 2023 में 78.63% जीती कांग्रेस। रेगांव 74.53%, 2023 में 70.12% जीती बीजेपी। बड़वा 81.42%, 2023 में 77.01% जीती कांग्रेस। दिमनी
70.34%, 2023 में 66.18% जीती कांग्रेस। सेंधवा 76.34%, 2023 में 72.64% जीती कांग्रेस। घोड़ा डोंगरी 84.51%, 2023 में 80.94% जीती कांग्रेस। इछावर 86.15%, 2023 में 83.27% जीती बीजेपी। अलीराजपुर 70.16%, 2023 में 67%, 2018 में जीती कांग्रेस। नागौर 78.13%, 2023 में 75.05%, 2018 में जीती बीजेपी। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि महिलाओं के अधिक वोट बीजेपी सरकार के खिलाफ है। देश में एमपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर वन है, साथ ही महंगाई से परेशान है। महिलाएं समझती हैं कि चुनाव से पहले शुरू की गई लाडली बहना योजना का मतलब क्या है, इन सीटों पर जबरदस्त उछाल आया है। गेम चेंजर तो है लाडली बहना, मगर गेम उल्टा चेंज हो गया है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आप बताइए, 1,31,00,000 हितग्राही हैं लाडली बहना के, और 85,00,000 फॉर्म हमारी नारी सम्मान के भरे गए हैं। अब इसके बाद आप जो है 1,43,00,000 वो महिलाएं हैं जो हितग्राही नहीं हैं, जिनको जो है सरकार ने पात्र नहीं माना, उन लोगों ने कहाँ वोट डाला है। विधानसभा सीट 2018 में वोटिंग, 2023 में वोटिंग। राजनगर 66.36%, 2023 में 72.3%। कटंगी 80.96%, 2023 में 86.83%। लखनादौन 78.48%, 2023 में वोटिंग 84.2%। धार 73.6%, 2023 में वोटिंग 78.88%। निवाड़ी 75.89%, 2023 में वोटिंग 81.05%। गौरतलब है कि महिलाओं की बंपर वोटिंग का फायदा कैसे होगा, इसका खुलासा तो 3 दिसंबर को परिणाम आ जाने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों को महिलाओं के वोट से अधिक उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश में महिलाएं जिन जगहों पर ज्यादा वोट कर चुकी हैं, उसमें बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ है। विंध्य में 2018 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने 24 सीटों पर अधिक वोटिंग की थी, इसमें बीजेपी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी तादाद में बंपर वोटिंग की है, लेकिन सवाल ये कि इसका फायदा किस पार्टी को मिलता है यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पैनल भी मौजूद है, मंजरी जैन जी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रज्ञा फिलिप्स जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। के एस श्राइनी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सवाल सीधा है कि कांग्रेस कह रही है कि महिला नाराज हैं, इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। बीजेपी अपनी तरफ से यह तर्क दे रही है कि योजनाओं से खुश है महिलाएं, इसलिए उन्होंने बंपर वोटिंग किया है। यानी दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से इसके मायने निकाल रही हैं। इसलिए पहले रुख करूंगी प्रज्ञा जी आपकी तरफ, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि महिला नाराज है क्या वाकई, और अगर है तो इसके उदाहरण क्या है। जी बेशक महिलाएं नाराज है, और जो मतदान हुआ है, जो प्रतिशत बढ़ा है, ये प्रतिशत इस कारण भी बढ़ा है क्योंकि महिला समझ चुकी है कि आज के हालात क्या है, पहले क्या था महिलाओं के लिए और आज क्या है, महिला किस परिस्थिति से गुजर रही है, महिलाओं को क्या लाभकारी योजनाएं नहीं मिल पाई है और केवल झूठे वादे से उनको रखा गया है, उलझा रखा जाएगा। तो ये चाहती थी लाभ और ये केवल बदली चली है और उसके कांग्रेस करके मंजरी जी से भी रिएक्शन ले। मंजरी जी, योजनाओं से खुश है ये मामा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहते नजर आ रहे थे जब वो प्रचार में थे, तो वाकई में खुश हैं? और अगर खुश हैं तो ऐसी कौन सी सिग्नेचर योजना है जो कारगर साबित हो गई, जिसमें बीजेपी ये कहने पर मजबूर हो रही है कि बंपर वोटिंग का असर बीजेपी को हुआ है और फायदा भी बीजेपी को हुआ है? तो हर हाँ बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। उषा जी,
ऑडियो रिपीट कर रहा है मेरे को। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी वो थोड़ा चेक करेंगे, जब तक एक रिएक्शन लेते हैं शाइनी जी से। शाइनी जी किस तरीके से देखती हैं आप इस बंपर वोटिंग को? देखिए, जब भी वोटिंग बढ़ता है तो ये कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि ये सरकार बदलने के लिए वोटिंग होती है, लेकिन अपन ने देखा 1990 से हर बार जो है। चलिए शाइनी जी लौट रही हूँ, एक बार फिर से मंजरी जी की तरफ रुक करी हूँ, फिर लौट रही हूँ आपके पास। मंजरी जी बात पूरी कीजिए, अभी आपको आवाज मिल रही है? अगर हम दो हाइब्रिड पर मिल रही है जी, अब 2003 से देखते हैं तो 2003 से जो वोटिंग परसेंट बढ़ा, रिपीट आ रही मेरे पास आए, तो हर बार जो है भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा लेना है। और इस बार भी जो वोटिंग बढ़ा है, अब हम पर से महिलाओं का वोटिंग परसेंट जो बढ़ा है तो मैं समझती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ा है, क्योंकि जो सरकार ने कार्य किए हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए हैं, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। देखिए, हमने 2005 से श्रृंखलाबद्ध महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आए, लाडली लक्ष्मी से लेकर आज लाडली दहिना तक। सरकारी नौकरियों में हमने 50% आरक्षण दिया और कर्मचारी अधिकारी वर्ग में भी आप 35% का आरक्षण दिया, पुलिस की नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया, और फिर उससे बढ़कर अब राजनीतिक रूप से उनको नेतृत्व देने का, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम महिला बिल भी हमने पास कराया। तो निश्चित तौर पर ये सब जो चीजें रही, जो जिस तरीके के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुए, तो उसका असर जो वोटिंग परसेंट बढ़ा वो उसी कारण से बढ़ा। और निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपना आशीर्वाद दिया है। आपने देखा चुनाव कैंपेन के समय पर जब शिवराज जी ने जनता के बीच में जाते थे तो महिलाएं उनको गले लग जाती थी, उनको तिलक करती थी, उनकी आरती उतारती थी। और एक वाक्य तो ऐसा हुआ है, एक गरीब महिला ने जो सड़क पर अपने छोटी सी दुकान लगाकर सब्जी बेचती थी, उसने मुख्यमंत्री, यही जानना चाह रही थी आपसे मंजरी जी, यही तो जानना चाह रही थी कि आखिर आपकी पार्टी की नीति ऐसी कौन सी है आपके मायनों में जिनसे खुश होकर आपको लगता है कि महिलाओं ने वोट किया है। लेकिन कमलनाथ जी का, पीसी चीफ कमलनाथ जी का भी एक रिएक्शन उनके स्टेटमेंट पर आपसे चाहूंगी। वो कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी मध्य प्रदेश नंबर वन है और महंगाई से परेशान है महिलाएं, ये फॉर्मूला भी काम किया है और वो अपने तरीके से इसका आंकलन कर रहे हैं। इसका रिएक्ट, इसका जवाब ले लेती हूं मैं प्रज्ञा जी से। प्रज्ञा जी जी, 65 कुछ ऐसी योजनाएं कमलनाथ जी ने आने वाली कांग्रेस सरकार के लिए रखी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम 65 ऐसी योजनाएं, ऐसे बिंदु है जिससे जो केवल महिलाओं के समर्पित हमारे मैनिफेस्टो में किए गए होंगे, जिसमें कि हम देखें तो इंदिरा कौशल, रोजगार, संस्कृति और स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर। और केवल हमारा मकसद 1500 रुपए देना नहीं है, हमारा उनको, उनके हाथों को मजबूत करना भी हमारा उद्देश्य रहेगा आगे। तो इन सब लोग, इन सब मैनिफेस्टो को जब महिलाओं ने जाना, समझा और देखा कि किस तरह से अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर वन हो रहा है, महिलाओं को कोई रोजगार नहीं है, तो इन सब को देखते हुए हमारी तरफ, कांग्रेस की तरफ कमलनाथ जी पे भरोसा कर महिलाओं ने अपना मतदान किया है। ठीक है शाइनी जी, आपसे रिएक्शन चाहूंगी। पहले तो आप अपनी बात को पूरा कीजिए कि किस तरीके से देखती हैं आप, बीजेपी अपनी तरफ से अलग मायने निकाल रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से मायने निकाल कर देख रही है, और पूरा डेटा अभी तक हमने इसके पहले जब पैकेज में ये दिखाया तो अलग अलग सीटों पर, अलग अलग विधानसभा सीटों पर इसके कुछ अलग मायने हैं, क्या कहेंगे आप? संख्या आ रही है वोट परसेंटेज का, तो आप देखेंगे कि मतलब ये पिछले बार भी बढ़ा था वोट परसेंटेज, और इस बार, पिछले बार से इस बार का महिलाओं का जो परसेंटेज बढ़ा है वो 2% बढ़ा है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया है। और आप ये देखेंगे कि जो सुबह से लेकर आप वोट, जितने बूथ में मैंने देखा है और जाके विजिट किया है, तो पहले तो महिलाएं सोती थी दिन का काम करके फिर जाती थी, लेकिन इस बार महिलाओं ने सुबह से लेकर वोटिंग लाइन में अच्छे तादाद में दिखी है महिलाएं, तो एक तरह से उत्साह तो है महिलाओं में वोटिंग डालने के लिए, और ये एक जागरूकता है, ये भी एक चीज हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से काफी प्रयास किया गया है कि महिलाएं बाहर आए वोट दें,
तो ये रीजन हो सकता है महिलाओं की संख्या बढ़ने का, लेकिन इसका अगर अपन पॉलिटिकल आकलन करेंगे तो ये है कि जो शिवराज जी ने, जैसे कमलनाथ ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो महिलाओं को 1000 रुपए देंगे बरसों, तो उसके बाद इमीडिएटली शिवराज ने अपना लाडली बहना योजना लेके आए और वो डायरेक्ट पैसे उनके खाते में जाने लगे। तो जिस तरह से त्योहार आ रहे थे उस टाइम में इनके खाते में पैसे आ गए, तो इस वजह से महिलाओं में कुछ उत्साह इसकी वजह से बढ़ता हुआ दिखा। अपर जैसे प्रज्ञा जी ने कहा कि कुछ लोगों को नहीं मिला है, वो महिलाएं नाराज भी हैं, तो इसमें ये देखना होगा कि कितनी नाराज महिला आके वोट कर रही है, ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा क्या है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो लाडली बहना योजना है इसने गेम चेंजर का काम किया है, किस तरफ करेगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, वापस रुख करूंगी मंजरी जी की तरफ। मंजरी जी देखिए, दो सवाल यहाँ पर खड़े हो गए, एक एस शाइनी जी ने भी एक सवाल खड़ा किया है और दूसरी तरफ प्रज्ञा जी ने भी एक सवाल उठाया कि ये बात सच है कि जिन महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिला है वो महिलाएं भी नाराज हो सकती है, और दूसरी एक चीज कि अगर बीजेपी इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंस में जी रही है कि उन्होंने 1000 रुपए 1200 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचाए हैं, तो 1500 रुपए की घोषणा पहले ही अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कर दी है, तो इसका असर टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा बीजेपी को? देखिए वशिष्ठ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो शाहनी जी की बात का मैं खंडन कर देती हूँ कि उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 1000 रुपए या 1500 रुपए पहले घोषणा कर दी थी, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले शिवराज जी ने घोषणा की थी कि हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, और ये सिर्फ घोषणा नहीं थी, इसको अमली जामा भी पहनाया गया, महिलाओं के खातों में पैसे भी पहुंचे और उसके बाद 1250 तक भी पहुंचे। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो योजना है वो 2017 में लाई गई थी, और आदिवासी महिलाओं को ये 1000 रुपए दिए जाते थे उनके पोषण आहार के लिए, तो उस योजना को सफल होते देख कर ही इसे आगे बढ़ाया गया। और आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगी इस और कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तब ये जो 1000 रुपए बहनों को दिए जाते थे आदिवासी समुदाय की, तो इन्होंने ये योजना बंद कर दी थी। तो ये जो उस समय जो रहा महिलाओं के बीच में जो संदेश गया, जो मैसेज गया कि कांग्रेस ने आते साथ ही ये 1000 रुपए बंद कर दिए थे, और वो मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में हुआ कि ये सरकार में आए इन्होंने सबसे पहले योजनाएं बंद की, और जितनी बहनों की योजनाएं चल रही, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना तो अभी आई थी, लाडली लक्ष्मी कन्यादान, और इसके अलावा तीर्थ दर्शन जैसी योजना, संबल योजना जैसी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी थी। लेकिन जैसे ही पुनः हम वापस से सरकार में आए और हमने पुनः वो योजनाएं चालू की, इन्होंने ये कहते हुए बंद कर दिया था कि बजट ही नहीं है, और वही योजनाएं हमने फिर से चालू की। तीर्थ दर्शन एक ऐसी योजना थी जिसे हम ट्रेन से कराते थे तीर्थ दर्शन, उसे हमने आगे बढ़ाते हुए हवाई जहाज यात्रा कराई। तो ये एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो जनता देख रही है और महिलाएं भी देख रही है, और इन्होंने भी 1500 रुपए नारी सम्मान देने का वादा जो घोषणा की थी वो उसका तो तभी लोगों ने आता देख लिया हर्ष क्या हुआ कि उन्होंने जो फॉर्म भराए थे जिसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भरी गई थी, वो कागज वो फॉर्म जो है वो सड़क पर कचरे में या किसी ठेले वाले के या सब्जी वाले के पड़े हुए दिखे, उसकी मूंगफली और समोसे बिकते हुए दिखे। तो ये इनका जो झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ठीक है, आपके सवाल का जवाब मंजरी जी से ले लेते हैं, माफ कीजिए मंजरी जी, आपके सवाल का जवाब प्रज्ञा जी से ले लेते हैं। प्रज्ञा जी, 1.5 साल के कार्यकाल का एक बार फिर से बीजेपी ने सवाल उठाया कि 1.5 साल में जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उसे कांग्रेस ने बंद कर दिया था, इसका नुकसान भी उन्हें कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है। कह रही है मंजीत जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1.5 साल, 1.5 साल में आप ये देखिए कि जो दूसरी चीजें थी, एक महिला को अगर लेकर करें तो गृह में बहुत सी चीजें आती हैं, तो सब चीजों को अगर आज हम योजनाओं में लाते हैं और देखते हैं कि कमलनाथ जी ने काफी कुछ ऐसा उस समय करा था जिससे कि लाभ सभी को हर वर्ग पहुंचा था, तो हम देखते हैं तो किसान का कर्जा माफ हुआ था, तो किसान परिवार में महिला भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है, तो हम उन सब चीजों को देखते हैं, उसको चीजों से लाभ पहुंच रहा था, और जो चीजें करने की रह गई थी उस बीच में जो कि सरकार का खुलजाना हम कह सकते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी थी हम नहीं पूरी कर पाए लेकिन हम करना चाहते थे, तो अभी ये जो चीजें हैं ये केवल कुल मिलाकर इस चीज को उठाने की है कि हम धरातल पे कुछ चीज नहीं कर पा रहे हैं, और हमने 1.5 साल भाजपा की सरकार रही, और उनका कहना ये है कि जो लाभ पहुंच रहा है जबकि खातों में थोड़ा टाइम पैसे आने की बात हुई,
तो मैं ये कहूंगी कि पैसे आना और हर किसी को लाभ पहुंचना, एक एक महिला को पहुंचना, ये तो नहीं था जो लेकिन प्रज्ञा जी एक सवाल और जो बार बार उठाती रही है कांग्रेस, उस पर जवाब बीजेपी अक्सर देती रही है कि क्योंकि जब इस बात पर कांग्रेस दम भर बार बार भर रही है कि चुनाव नजदीक आया तो योजनाओं के लाभ की स्कीमें बीजेपी ने निकाल दी, अगर पिछले और ट्रैक रिकॉर्ड को देख लिया जाए ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो शुरुआती वक्त से बीजेपी चलाती आ रही है जिसमें मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण है, लाडली बहना है, नारी सम्मान कोष है, कन्या विवाह योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये तमाम योजनाएं बीजेपी गिनाती रही है, तो ये कांग्रेस बार बार क्यों कह रही है कि चुनाव के नजदीक आते ही योजनाओं का पिटारा खोल दिया बीजेपी ने? जी बिल्कुल, क्योंकि जो योजनाएं उज्ज्वला की आपने योजना की बात की तो मैं ये कहूंगी कि उसका भी लाभ हर किसी को नहीं मिला है। यहाँ पे हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपका मकसद होना चाहिए कि हर स्त्री को हर नारी को वो मिले लाभ, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ना। स्त्री वंचित है और वंचित है तो किसी को उज्ज्वला का लाभ मिला, किसी को नहीं मिला। आज हम देखते हैं जैसे कि लाडली बहना की, तो आप देखिए उसमें इतने सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो महिला एलिजिबल नहीं थी फॉर्म भरने के लिए और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए। तो आप कुछ ऐसी नीति रीति लाते हैं आपकी कि जिससे कि सबको लाभ पहुंचे। हमारा मकसद है केवल महिला को पैसा देकर घर बिठाना नहीं है, हमें मजबूत करना है हर तरह से, उसके जवाब ले लेते हैं। शायनी जी, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उनका कहना है कि महिलाएं कुछ नहीं है क्योंकि पिछली जो पुरानी योजनाएं भी हैं उन्हें भी ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट में नहीं ला पाई थी बीजेपी और ये चुनावी शगुफा एक बार फिर से छोड़ दिया। जी, इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी कि मतलब जो यूथ है उसमें भी कई महिलाएं हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिला, और दूसरी तरफ उनको जो रोजगार के लिए जैसे जो पटवारी का एग्जाम हुआ उसमें स्कैम हुआ, ये बाकी चीजों में डिले हो गया है, किसानों को जो कर्ज में जो माफी नहीं, तो ये सब चीजें भी फैक्टर मैटर करती हैं। महिलाएं जो है जिनको सिर्फ 1200 रुपये जो अकाउंट में आया है सिर्फ उसी वजह से, वो एक ही मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं। तो अगर वो जो यंग लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेज से निकल के आई हैं और उनको जॉब नहीं मिल रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि वोट यूथ का वोट कहाँ जा रहा है। तो यूथ महिलाएं जो लड़कियां हैं जो यूथ हैं उनका वोट कहाँ जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस चुनाव के रिजल्ट में। मंजरी जी, क्योंकि बीजेपी लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये कहती रही है कि बहुत सारी ऐसी महिलाओं को खुश कर देने वाली योजनाएं जो है बीजेपी चला रही है, यही सवाल प्रज्ञा जी भी पूछ रही है कि इम्प्लीमेंट तो ठीक तरीके से इन सभी योजनाओं में पूरे तरीके से किसी पर भी नहीं किया गया है, और सबसे बड़ा जो फॉर्मूला इस वक्त कांग्रेस छेड़ रही है वो महिलाओं में अपराध के नंबर वन का जो रिपोर्ट है उसको पेश करके कह रही है कि महिलाओं को लेकर के अगर सशक्तिकरण को लेकर के बीजेपी इतने दम भरती है तो उनकी सेफ्टी को लेकर के अभी तक क्यों धरातल पर काम नहीं किया गया, ये एक बात बार बार कांग्रेस दोहरा रही है। बताना चाहती हूँ वर्षा जी कि अपराध से रिलेटेड जो आपने सवाल पूछा है उसमें 2003 के पहले की बात करना चाहूंगी। अब आप बोलेंगे इतनी पुरानी बात क्यों करते हैं, लेकिन वो जानना जरूरी है। 2003 के पहले थानों की ये स्थिति थी कि महिलाएं या महिलाओं के परिवार कभी भी थाने में कोई FIR दर्ज कराने नहीं जाते थे क्योंकि वहां का माहौल ऐसा होता था। लेकिन 2003 के बाद जैसे हम सरकार में आए हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ऐसे कदम उठाए, जैसे हमने ऊर्जा डेस्क का गठन किया, वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हर थाने में। मैं आपको बता दी यदि किसी महिला के साथ घटना घटित हो जाती थी तो उस महिला के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी बन जाती थी कि अगर वो घर से आ गई है, मान लीजिए किसी पति ने उसकी मारपीट भी कर दी, एक छोटा सा उदाहरण हिंसा का बताती हूँ, इतना बहुत डीप में नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ मुद्दे पर ही बातचीत हो। अगर देखिए सीधा सवाल है कि अगर उषा जी तो वो महिला थाने में FIR दर्ज कराने के लिए इधर उधर भटकती थी, उसे सुरक्षा नहीं मिलती थी। 10 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना हुई हर थाने के अंदर, यदि किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है वो थाने आती है अपनी FIR कराती है, वहाँ महिला पुलिसकर्मी होती है, उसकी ये बात अच्छे से सुनी जाती है और उसे एक परिवार की तरह माहौल दिया जाता है। यदि उसे कोई सुरक्षा की जरूरत है, जब समस्याएं पता है तो सबसे ज्यादा समय तो बीजेपी को मिला काम करने के लिए। जब ये बड़ी विडंबना की बात है, जब बीजेपी को पता है इतनी सारी समस्याएं हैं जहां पर रेप केसेस सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये समस्या होने के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम का हल ना निकले तो ये कहां की तारीफ है।
सबसे ज्यादा समय क्या बीजेपी को मिला सरकार में रहते हुए काम करने का? एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, आज सूक्ष्म से सूक्ष्म एफआईआर दर्ज होती है। आज जो आपको आंकड़े नजर आते हैं इसी कारण से नजर आते हैं कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं वही। और सबसे मध्य प्रदेश फर्स्ट भी है, मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश से ज्यादा अपराध जो है महिलाओं से रिलेटेड राजस्थान छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो मैं देखिए इसको मैं राजनीति नहीं करना चाहती, बहुत सेंसिटिव मामला है, तो मैं अति संवेदनशीलता के साथ ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ जो कि समय की कमी है, एक छोटा सा रिएक्शन में जाऊंगी प्रज्ञा जी से। प्रज्ञा जी, महिलाएं जिन जगहों पर ज्यादा वोट की हैं 2018 में भी बीजेपी को तब भी फायदा मिला था, तो इस बार 2% जो वोटिंग बढ़ी है उसे आप किस तरीके से देखेंगी? समय की कमी है, एक छोटा सा रिएक्शन। ये जो आप 2018 की बात कर रहे हो और तब से लेकर आज हम 23 में देखते हैं, तो इसमें हम ये जो देखने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि उस समय बीजेपी की सरकार बनी हुई या उसको मतदान ज्यादा बीजेपी के फेवर में हुआ था, लेकिन हम यह जानते हैं कि इन सालों में कोरोना काल भी हमने देखा है इसी समय में, तो इसमें हमने देखा है कि महिला किस समस्या से पीड़ित थी, किस तरह से गुजारा हुआ है लोगों के परिवारों का, और क्यों ना ये बदलाव का समय है। तो जब हम ये कहते हैं कि एक आंधी जो चली है, तो वो ये जो बम्पर वोटिंग हुई है वो महिलाओं ने अगर कांग्रेस के पक्ष में कही है तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे अपराध की बात की तो आज तो दर्जनों एफआईआर आज भी पड़ी है। शाइनी जी से भी मैं चाहूंगी, 19 सीटों का फायदा सीधे सीधे 2018 में भी मिले था, इस बार 2% की बढ़त महिलाओं की वोटिंग पर आपका लास्ट रिएक्शन? जी ये हमेशा ही माना जाता है जब महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं महिलाओं को वोट बीजेपी की तरफ जाता है, ये एक कन्वेंशनल विजडम है, पर ये हम बिल्कुल एक लकीर मान के नहीं चल सकते हैं। जब महिलाओं को जिस तरह जहां उनके रोजगार है, उनके परिवार की जो स्थिति है, अगर उनको लाभ होता है तो वो उस पार्टी को वोट देती है, और वो एक साइलेंट वोटर होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है महिलाएं जो है साइलेंट वोटर है, तो वो अपना ओपिनियन कभी भी सामने बहुत ज्यादा बोलती नहीं है। वो जैसे आप जाके जितने ओपिनियन पोल भी आएंगे तो ज्यादा पुरुषों से पूछा जाता है, तो 50% महिलाएं तो 50% पुरुष है, लेकिन जब ओपिनियन पोल लेते हैं तो उसमें ज्यादा पुरुषों से, तो इसलिए वो जब रिजल्ट आता है तो थोड़ा बिल्कुल अलग हो जाता है उससे। तो मेरा ये मानना है कि जो महिलाएं हैं इनके ऊपर अभी हम एकदम कुछ कह सकना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि महिलाएं आजकल इम्पोर्टेंट हो गई है। महिलाओं पहले महिलाओं के प्रतिशत कम हुआ करती थी, और महिला वोट करती थी तो परिवार के कहने पे वोट करती थी, जहां वो परिवार बोलते थे वहीं वोट करती थी, लेकिन अब वो डिसाइसिव वोट डालती है, अपने मर्जी से डालती हैं, एक कैलकुलेट करके वोट डालती हैं, तो इसलिए महिलाओं का वोट चाहे वो कांग्रेस के लिए हो चाहे बीजेपी के लिए हो, महिलाएं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, परिणाम आ जाने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन विजेता है और किसकी योजना का असर जो है इन महिलाओं पर पड़ा है, और यही इसके अलग मायने निकाल कर देखे जाए कि आखिर इस 2% की बढ़ोतरी महिलाओं के वोटिंग में किसकी योजनाएं पसंद महिलाओं ने की है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल हमारी खास पेशकश बिग डिबेट में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।